हर इंसान को कोई ना कोई तलब होती है, तो इसी तरह एक तलब है जो नशा, शराब। आइए इस बारे में इस्लाम क्या कहता है, इस बारे में एक छोटी सी तकरीर सुनते हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. मेरे अजीज साथियों और मुश्किल साथ-ए-इकराम, आज मेरी तकरीर का उनवान है नशा एक लानत है। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे सही बात कहने और आप सभी को सही बात समझने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, शराब शैतानी अमल है, चुनांचे उससे बचो ताकि फला पा जाओ। देखे, इस्लामी शरीयत का आम कायदा है कि मुसलमान के लिए किसी ऐसी चीज का खाना पीना जायज नहीं जो उसे फौत या आहिस्ता आहिस्ता हलाक कर दे, मतलब हर किस्म का जहर या और कोई मुदिर चीज। इसी तरह बकसर खाना पीना जायज नहीं जिसकी वजह से बीमारी में मुब्तला हो जाए। मुसलमान की तहवील में सिर्फ उसका नफ्स नहीं होता बल्कि उसका दीन, उसकी मिल्लत, उसकी जिंदगी, उसकी सेहत, उसका मान और अल्लाह की सारी नेमतें उसके पास अमानत होती है। लिहाजा उनको जाहिर करना जायज नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों से अपने आप को हलाक कर देना डालो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने शराब को रिजस मिन अमल शैतान कहा, क्योंकि नशा शैतान की तीरों में से एक तीर है। जब आदमी शैतानी धोखे में पड़कर शराब हेरोइन चरस कोकेन के नशे में होता है तो कई चीजों को नुकसान पहुंचा देता है, कभी कभी तो तलाक तक बात पहुंच जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी वजह से शरीयत ने यहाँ तक की पाबंदी आयत की है कि अगर अंगूर बेच रहा हो और यह गुमान है कि मुश्तरी अंगूर से शराब बनाएगा तो उसे बेचना जायज नहीं। मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कसम खाई थी, मेरे इज्जत की कसम, मेरे बंदों में से जो भी शराब का एक घूंट भी पिएगा मैं उसे उतने ही घूंट और पेट पिलाऊंगा, तो क्या आप इस शरीयत को कबूल करने के लिए तैयार हैं? और आप इस गलत फहमी में बना रहे कि हम उस सुना में मुलव्वस नहीं। आप भी उतने सजा के मुस्तहिक होंगे जितना शराब पीने वाला, क्योंकि आपका मिशन नहीं के मुनकर का था जिसे हमने और आपने भुलाया और खुद बुजुर्ग बने बैठे रहे। लिहाजा अपने मुसलमान भाइयों को इसके घाटी से निकालने की कोशिश करें और आज इसे अज्म करें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती बन के आइंदा किसी भी किसी तरह से नहीं करेंगे, खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। अल्लाह ताला से इस बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शेर के साथ अपनी जगह लेना चाहता हूँ, नशा पिलाकर गिराना तो सभी को आता है, नशा पिलाकर गिराना तो सभी को आता है, मजा तो तब है जब गिरते हुए को थाम ले साकी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।